जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका भाई फादी, तो फादी पिजन 786 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो ले दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो चुका हूँ। तो आज हम आए हुए हैं जी इब्रार भट्ट खलीफा अतब रज़ा की छत पे आए हुए हैं जी माशाल्लाह से। इस दफ़ा इन्होंने भी कप्पू में माशाल्लाह से धूम मचाई है, आलड़े में इनकी छत है। तो इनसे माशाल्लाह ये इनकी छत का नाम भी लिखा हुआ जी, खलीफा अतब रज़ा छत बिलाल भट्ट, ये माशाल्लाह से लिखाई हुई भी है। तो अभी लेके चलते हैं आपको इब्रार भाई की तरफ, तो इनसे साथ इंटरव्यू भी लेते हैं। और ये इन्होंने आज कुछ बच्चे भी खोले हुए हैं, ये इनका जी सेटअप है जहाँ से उड़ाई का शो करते हैं। ये इब्रार भाई, ये जोड़ों का सेटअप है जी। जी जी, ये जोड़ों का सेटअप। चले जी अब इब्रार भाई, अस्सलाम वालेकुम इब्रार भाई। जी वालेकुम सलाम, से तबीयत सुनाए इब्रार भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र खैर करिए माशाल्लाह से। आप सुनाए? ठीक है जबरदस्त माशाल्लाह से। इस दफा आपने कप्पों में माशाल्लाह से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है जी इब्रार भाई। बस ये अल्लाह पाक का करम है जी। जी हमने क्या करना होता है, ये अल्लाह पाक की तरफ से बेशक होता है, बेहतर होता है, इंसान बस कोशिश करता है। सही बात है, कोई शक नहीं है इस बात में, बाकी अल्लाह पाक इज्जत देने वाला है। तो माशाल्लाह से इब्रार भाई, कितने कपों में माशाल्लाह से आपकी पोजीशन आई है? एक तो आपका अपना कप भी हुआ है माशाल्लाह से, आदड़ा धमाका, आदड़ा का वनडे धमाका कप हुआ था ना माशाल्लाह, उसमें फर्स्ट पोजीशन आई है माशाल्लाह जी। बाकी और कौन कौन से कपों में आप पोजीशन आई थी? परवेज वालों में थर्ड पोजीशन आई है, खालिद जदौन वाले में सेकंड आई है, सही हो, फिर अल मदीना फर्नीचर वालों में फोर्थ आई है माशाल्लाह, उसमें आदड़ा में फिफ्थ आई है माशाल्लाह। तो इसी तरह करके ना सात कपों में पोजीशन आई है माशाल्लाह से। एंट्रियां टोटल कितने कपों में थी? आठ कपों में। आठ कपों में माशाल्लाह से, बहुत बड़ी बात है जी इब्रार भाई के आठ कपों में एंट्री कराने के बावजूद भी आपने माशाल्लाह से सात कपों में पोजीशन लिया है माशाल्लाह, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये जोड़ों का सेटअप है इब्रार भाई माशाल्लाह से। और इब्रार भाई, ज्यादातर आपके पास घर के ही बच्चे होते हैं या कोई दोस्तों की तरफ से गिफ्ट आते हैं? या जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये आप सामने देख रहे हैं कि जोड़े लगे हुए हैं। जी जी, तो 30-40% यहाँ से बच्चे होते हैं, बाकी जो सब कबूतर है ना वो मेरे उस्ताद के घर की। जी जी, बैठे इब्रार भाई। अच्छा, तो माशाल्लाह से आपके उस्ताद काका मोहनपुरा वाले? जी जी, काका मोहनपुरा वाले हैं। जी जी, इधर हमारे उस्ताद की इस आदरे में ना तीन शागिर्द हैं। तीन शागिर्द हैं मतलब? दो जो उनसे ना फील्ड में इन है, तो एक अभी थोड़ा सा काम की मसरूफियात की वजह से नहीं आ रहा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सीजन में भी वो बाहर आएगा। जी जी, तो आपने नाम सुना होगा, एक है मेरा पीर भाई है और छत का नाम है अतीक यूके। जी जी, सुना है अतीक यूके, वो पीर भाई हैं मेरे, एक ही उस्ताद के हैं। तो माशाल्लाह उधर भी उस्ताद आते हैं, इधर भी आते हैं, दोनों हम आपस में जो ना शौक करते हैं इस आदड़े में कर रहे हैं। और हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि इस दफ़ा आदड़े का बहुत सारा नाम बोला गया। सही बात है, देखें गुफरान भाई, उन्होंने तो एक अपना ही मेयार रखा हुआ है। सही बात है, तो बाकी हम भी साथ साथ चलते रहे और इस दफ़ा बहुत अच्छा शौक देखने को मिला माशाल्लाह से। इब्रार भाई, इसमें कोई शक नहीं है, गुफरान भाई ने भी बहुत मतलब आदड़े की, कहने का मतलब ये आदड़े की इज्जत रखी है बाहर के इलाकों से माशाल्लाह से। आपने भी एक लोगों को परफॉर्मेंस करके बताई है कि रहा आदड़े में एक ये भी छाता है, कोई शक नहीं है इसमें माशाल्लाह से, आपने आदड़े की इज्जत बढ़ाई है। तो माशाल्लाह से अभी आपके जो कबूतर, पहला कबूतर आपका किस टाइम बैठा था इब्रार भाई? फर्स्ट डे बैठा था जी, तकरीबन 1:47 पे बैठा था। ये धमाका कप जो आपने खुद उड़ाया, ये उस जी उसमें भी, उसमें पहले दिन बैठा है? पहले दिन में, 2 तारीख को। 2 तारीख को पहला कबूतर बैठा है 1:47 पे, और आखिरी किस टाइम तक बैठा है? बैठा था 5:30 माशाल्लाह। बहादुर कबूतर भी हुआ है इब्रार भाई आपका? जी बहादुर कबूतर भी है। पहला बहादुर हुआ या आखिरी बहादुर? आखिरी बहादुर। अच्छा, आखिरी बहादुर हुआ है माशाल्लाह से जी। इब्रार भाई अब चलते हैं, आपको ये एक दो कबूतरों का शो कराएं। जी जी, जो आपका बैठा है बहादुर आखिरी कबूतर, तो शॉर्ट सी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, कभी आएंगे जिस टाइम आपसे बकायदा सारा इंटरव्यू भी लेंगे, क्योंकि अभी माशाल्लाह से हमने आपको कहा कि साथ साथ इब्रार भाई को जाके मुबारकबाद भी दे देते हैं। तो माशाल्लाह से इब्रार भाई कराएंगे शो, जो माशाल्लाह से आपको बैठा है बहादुर बैठा है, और भी जो उड़ते रहे हैं कप्पों में माशाल्लाह से उनका शो कराएं। ये जी इब्रार भाई का जी, ये जोड़ों का सेटअप है, ये देखिए माशाल्लाह लाइटें शाइटें लगी हुई हैं। जो जो भाई चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और भाई वीडियो एंड तक लाजमी देखा करें, और कमेंट करके ना अपनी राय लाजमी दिया करें। और इब्रार भाई को भी मुबारकबाद आप सब भाइयों ने कमेंट में देनी है, ताकि पता चले यार कि वीडियो देखते हैं, और वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें जी। तो ये इलाका है जी सारा,
ये आलडे का इलाका है, ये देखें जी, ये माशाल्लाह से इनका सेटअप है। ये इब्रार भाई कबूतर ले हैं जी। इब्रार भाई, तो ये कौन सा कबूतर है इब्रार भाई? ये फादी भाई गोल्डन कबूतर है हमारा जी। ये डबल मोर भी था, बहादुर कबूतर था ये। अल्हम्दुलिल्लाह 5 के पार ही बैठता रहे माशाल्लाह जी। ये 5, 5, 10 ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं जी, जी। भाई हैं यूसुफ और रोशू, ये उनके घर की तरफ से आया। अच्छा, रोशू भाई की तरफ से आया जी। ये रोशू भाई की तरफ से आया है। इसके पल्ले का शौक रहे जी इब्रार भाई। अभी हमने जो है ना इनको खापों में डाल दिए कि किसी भी गलत टाइम निकल जाए तो कम अज़ कम ज़ाया ना हो। सही बात है, ताकि आसमान ना जाए। जी जी ऐसा ही है। सही हो गया। इसको मोरे लगी हैं इब्रार भाई भी असल में का। जी जी, अच्छा वाइट पत्ते भी लगे हुए हैं, ये चेक कर सकते हैं जी। मोरे भी लगी हुई हैं इब्रार भाई। कितनी मोरे लगी हुई हैं इनसे? इसको 3 मोरे लगी। 3 मोरे लगी माशाल्लाह। चौथी भी लगी हुई थी लेकिन वो ख़त्म होगी। वो पहले वन डे में जो डॉन आदड़े वाला हुआ था ना कप, कौन बनेगा डॉन, कौन बनेगा डॉन जी जी, उसमें भी ये उड़ा था। सही सही, ये 3 कुछ पे बैठा था माशाल्लाह। एक हमारा बहुत फेवरेट मोस्ट फेवरेट कबूतर है कसूरिया, सूर्या, उसको उसमें डाल के चेक किया था कि भाई शायद वो बैठ जाए, लेकिन उसकी एक आदत ऐसी है कि वो लाइटों में ही बैठते हैं। सही। उस दिन हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया कि लाइटों पे आया, सामने खड़ा रहा तो 8 बजे तक ये सामने फिरता रहा। सही। नहीं बैठा, जिसकी वजह से उसने हमें कोई इनामात नहीं लेने दिए। तो फिर गुफरान भाई ने जो है ना फर्स्ट टाइम मार दिया था। सही सही। तो माशाल्लाह उसमें भी बड़ा अच्छा शौक हुआ था। उस कसूरिये का भी आपको शौक कराएंगे। सही। हमारा मोस्ट फेवरेट वो भी कबूतर है, लेकिन 3 रोज़े में उसको नहीं डाला कि कुछ भी मिसहैप हो सकता है, वो बैठता नहीं था घर में। सही सही, मतलब गर्मी का कबूतर था, आपने इस मौसम में चलाया ही नहीं उसे। हमने कहा देखें क्या करता है, लेकिन एक 2 पड़के लेके हमने देखा कि उसने साथ नहीं दिया, और रात रह जाए। सही सही। या लेट बैठता तो फायदा नहीं था, तो इस वजह से फिर उसको निकालना पड़ा। सही हो। फिर ऐसे कबूतर डाले हैं कि कम अज़ कम पूरे होते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 पड़कों में हमारा एक कबूतर भी नहीं ज़ाया हुआ माशाल्लाह। ये वो ही कबूतर चलते रहे 3 फड़कों में, हमारे वो 7 कबूतर पूरे रहे। इब्रार भाई बात यही है कि फड़कों में कबूतर पूरा करना बहुत बड़ी बात होती है माशाल्लाह। आपने 3 दिन कबूतर पूरे किए हैं, तो सब क्रेडिट अल्लाह ताला की तरफ से है, और मेरे उस्ताद को जाता है ये सब क्रेडिट माशाल्लाह। उनकी मेहनत है, उन्होंने हमारी बहुत सारी रहनुमाई की है जी, काफी ज्यादा करते हैं और करते भी रहेंगे। अल्लाह पाक उनको इज्जत सेहत दे, तो उनकी वजह से ही ये थोड़ा सा जो हमें मकाम मिला है उनकी वजह से है माशाल्लाह जी। इब्रार भाई अब दूसरा कबूतर को जो आप बता रहे हैं, जो मतलब रात को नहीं बैठा, उसका भी शौक रहे बच्चे भी माशाल्लाह से आपने बाहर खोल के बैठाया, मतलब आगे ट्रेनिंग जारी है आपकी इसका मतलब जी। आपको पता है कि फिर मैदान में इन होने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है। सही। पीछे नहीं हटना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे बहुत टफ टाइम दिया जाता है एक दूसरे को। सही बात है। अब आदड़े की कबूतरबाजी बहुत ऊपर चली गई है, बेशक कोई शक नहीं, एक बढ़ के मैदान में नजर आता है। अभी हमारे और भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, भाई हैं, जिनके नहीं बैठ सके, कुछ उनकी बैड लक थी, किस्मत नहीं थी, जो भी था, बैठे नहीं उनके कबूतर। अगर वो बैठते हैं जिनके, और बहुत बहुत अच्छा टाइम इधर आता है, और बहुत टफ कंपटीशन होता है यहाँ पे, तो इस वजह से हर किसी की बहुत मेहनत है और लगे रहते हैं। नेक्स्ट सीजन के लिए भी अभी तैयारी कर रहे हैं, सारी कर रहे हैं जी जी। तो आपको पता है कि ये शौक ऐसा है कि इसमें अपना रुकता नहीं है। सही बात है, कोई शक नहीं, आगे से आगे की चलाता है माशाल्लाह से। इब्रार भाई इधर इस दफा बहुत अच्छा शौक देखने को मिला है, मतलब एक का बैठ रहा है 6 के पार, 6-15 पे बैठ रहा है, 6-18 पे बैठ रहा है। अगर एक बंदे का 6-18 बैठ रहा है, साथ ही दूसरे का कबूतर निकल के माशाल्लाह 6-20, फिर आगे तीसरे का बैठ रहा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा शौक देखने को मिला। इस वजह से बहुत सारी इधर तैयारी करनी पड़ती है। सही बात है, कोई शक माशाल्लाह बहुत अच्छे शौकीन है यहाँ पे माशाल्लाह, और बहुत अच्छा शौक देखने को यहाँ पे मिलता है। चले इब्रार भाई, कबूतर है जी कसूरिया, एक मिनट सामने करें इब्रार भाई से माशाल्लाह। बेसिकली ये है लाहौर का कबूतर है, लोहरिया कबूतर है, और ये भी मेरे घर का, मेरे उस्ताद के घर का है माशाल्लाह। ये उनसे मैं पठा खरीद के लाया था, तो नाम बस ऐसे ही हमने कसूरिया डाल दिया। तो ये बहुत अड़ी लगा लेता है, बैठता नहीं है जल्दी जल्दी, जिसकी वजह से हमें इसको नहीं डालना पड़ा 3 रोजे में। मोरे भी लगी हुई ऐसे, एक में डाल के देखा जी जी, तो इसने जो ना उसमें भी नहीं बैठा, नहीं बैठा, ये रात को बैठा है तकरीबन 8:30-9 बजे। शौक रहे हैं इब्रार भाई, ये माशाल्लाह जिसका पार है जी,
अच्छा जी इब्रार भाई, तो इस वजह से आपने इसको आगे चलाया नहीं क्योंकि बैठना ही था। ऐसे ही है, तीन चार और भी कबूतर ऐसे हैं जी जी जिन पे हमें थोड़ा सा डाउट था, वो हमने डाले नहीं। तो कोशिश ये की है और हर किसी की कोशिश ये होती है कि ऐसे कबूतर डाले जाएं जो कि घर बैठे मुकम्मल हो, पूरे हों, जिस पे मालक को खुशी भी होती है और नंबरों में भी आ जाता है। इब्रार भाई इनाम आना ना आना ये नसीब की बात होती है, मगर खिलाड़ी के ना कबूतर अच्छे उड़ने चाहिए ताकि इलाके में नाम बन जाए। सेटिस्फेक्शन इसी में ही है कि जो मेहनत करता है जी जी इतने अरसे से उनको ट्रेनिंग करा रहा है। सही बात, तो सिला ये ही है कि कप वाले दिन भी पूरे हों, उसी तरह हों ताकि उसको दिली खुशी हो। नमाज का इससे ज्यादा खर्चे हो जाते हैं। सही बात है, कोई शक नहीं है, नमाज पे कोई भी नहीं जाता। सही बात है, ठीक है। एक होता है कि स्टेज पे आना, एक इज्जत मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इसमें रह रहे के इज्जत ही बचती है। सही बात है, और क्या बचना होता है। सही बात है। चलिए इब्रार भाई अगले कबूतर का शो करवाए, दाना शाना डाल दिया इब्रार भाई आपने। चले इब्रार भाई ने थोड़ा टाइम निकाला जी हमारे लिए, इब्रार भाई का हम शुक्रगुजार हैं बहुत ज्यादा। तो हम क्यों ना टाइम निकालें जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे प्यारे भाई हैं, इनकी बहुत मेहनत है, अल्लाह पाक इनके काम में माल में इज्जत में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। और बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, ये इनकी बहुत मेहनत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये काम छोड़ के आते हैं। अच्छा ये देखें जी, हमारा एक कबूतर है जी, इसका नाम है पट्टी। पट्टी, ये हमारे पास दो भाई हैं, भट्ट और पट्टी। भट्ट और पट्टी जी जी, मतलब एक ही माँ बाप के। जी जी एक ही माँ बाप। अच्छा मतलब नाम रखे हुए आपने। जी जी नाम रखे हुए भट्ट और पट्टी। ये पट्टी आया जी जी, ये पट्टी है, ये भी दो दिन पांच के पार बैठता रहे जी जी, एक पहले दिन दो कुछ पे बैठ गया था माशाल्लाह जी। तो बाकी ये भी घर के, इसके माँ बाप उस्ताद के घर के हैं जी जी। ये बच्चा इधर ही निकला है, ये माशाल्लाह दो तीन सीजन हो गए हैं मेरे पास कपों में डाल। इसकी आँख का शो करवाए जरा, माशाल्लाह जी। अच्छा जी ब्रा भी, ये माशाल्लाह से मतलब आपको तीन एक साल हो गए उड़ता आ रहा है। तकरीबन तीन साल। इस दफा आपके पास पुराने कबूतर डले हैं ब्रा भी, आपने भी कोई नए कबूतर आगे लेके आए हैं? ये आपके जो फर्स्ट दिखाया है गोल्डन कबूतर जी जी, वो पहले सीजन का है जी जी, वो नया कबूतर है। नया कबूतर है, सही है। और कसूरिया भी दो साल पुराना है, ये तो तीन साल पुराना। माशाल्लाह अब बट का शो करवाएंगे। पट्टी चला गया जी, अब बट आएगा, इब्रार भाई शो कराते हैं माशाल्लाह से। फिर किसी दिन आएंगे इन माशाल्लाह से, इनके जोड़ों का भी शो करेंगे इब्रार भाई। अभी मैंने कहा कि चले कपों के लिहाज से जाके वीडियो बनाते हैं। उसी का बड़ा भाई है ये, भट्ट है। भट्ट है माशाल्लाह, सिपरों का शो कराएं इब्रार भाई। अब बताएं इब्रार भाई इसकी क्या परफॉर्मेंस थी? ये फर्स्ट डे बैठा है जी 1:50 पे जी जी, सेकंड बैठा है 3:21 पे सही, और चौथे दिन मेरे बड़े भाई हैं बिलाल भट्ट जी जी, वो कहते हैं जी कि अगर ये 4 के पार बैठ जाते हैं ना तो मैं आपको रोटी खिलाऊंगा। अच्छा जी, तो इसने सुन लिया फिर माशाल्लाह। तो ये बैठा है 4:48 पे, मतलब आप रोटी जीत गए फिर? जी जी बिल्कुल जीत गए हैं, और हमने रोटी भी खाई है माशाल्लाह। और भाई हैं मेरे वो बड़े जी जी, उन्होंने रोटी भी खिलाई है, हमारी 5-6 बंदे मिल के पार्टी वाले सारे कोई रोटी भी खिलाई है उन्होंने, क्योंकि ये कहते थे कि यार ये 12-1 वाली कबूतर है, सही सही, इसको ना डालना। हमने कहा जी मजबूत कबूतर है, पूरा हो जाता है, हमें सबसे बड़ा वादा यही है। फिर आपने बिलाल भाई को अपने बड़े भाई को करके बताया जी, जाता शाम तक, शाम जाता है, बस हम खुद ही जो है ना ज्यादा इस पर लोड नहीं डाल रहे थे जी जी, लेकिन फिर लास्ट टाइम डालना पड़ा के चले अब कुछ तो होना चाहिए। सही बात, नंबरों में भी आए हुए हैं जी, तो जी। कोशिश यही थी कि नंबरों से बाहर ना निकले। सही बात, ऐसी रेस नहीं थी कि फर्स्ट आए सेकंड आए जो भी आए। तो कबूतर आपने पूरे किए हैं इब्रार भाई, हमें भी दिल से बड़ी खुशी है माशाल्लाह से। गेम देखें कबूतर शाम तक लेके जाना देखें बहुत बड़ी बात होती है, मगर माशाल्लाह आपने जो कबूतर पूरे किए हैं, सारी फिल्म कबूतर पूरा करने भी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा पूरे हुए हैं कबूतर, और ये छत बने हुए तकरीबन साल हुआ है। साल हुआ है, साल में मतलब आपने हमारी साल की मेहनत है, और सिर्फ एक बंदे को कहा जाए ना तो कभी भी नहीं होता। सही सही, इसमें हमारे बहुत सारे भाई हैं, साथ मिलते हैं जी जी, कोशिश करते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ अल्लाह पाक सिला देता है। तो आपके बड़े भाई भी आपके साथ शौक करते हैं? जी जी उन्हें शौक है जी जी, जरूर है, करते भी हैं,
बस कुछ अपनी उनकी मसरूफियात की वजह से वो ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ हैं, शाना बिशाना है माशाल्लाह। तो ये छत भी उन्हीं के नाम से इंटर कराई हुई है। जी जी, यही बात है, बिलाल भट्ट। तो नेक्स्ट आपको एक कबूतर का शौक और कराते हैं माशाल्लाह से। ये जी इलाके का व्यू आपको पहले भी दिखाया, 786 देखें जी। बिलाल भाई, इब्रार भाई, माशाल्लाह से आपने 786 बिस्मिल्लाह लिखवाया, लिखवाई भी है राइटिंग में। तो माशाल्लाह से मेरे चैनल का नाम भी फादी पिजन 786 है, देखें जी, इत्तेफाक चेक करें जी। बस आपने अब ऊपर लोगो यही लगा देना है, इंशाल्लाह यही लगेगा जी लोगो। ये कौन सा कबूतर है जी इब्रार भाई? ये कसूरिया फिरोजपुरी क्रॉस कबूतर है जी। जी, इसका नाम है हाजी वाला। ये हमारे बहुत प्यारे भाई हैं हाजी साहब, ये उनकी तरफ से गिफ्ट आया हुआ था हमें। सही सही। तो ये कबूतर माशाल्लाह बहुत अच्छा फिर है जी। फर्स्ट डे भी इसने 2 के पार बैठा है, बाकी 2 दिन ये जो उनसे ना 4-4:30 बजे बैठता रहे, बैठता रहे माशाल्लाह। बहुत अच्छी प्रोग्रेस दी है जी। ये भी फर्स्ट टाइम कप में डले, मतलब सीजन में नया, दूसरा सीजन है इसका, दूसरा सीजन है। इसका नंबर नहीं आया था, इस दफा इसका नंबर आ गया माशाल्लाह। इब्राहिम भाई सामने करें इसे जरा, जो उनसे ना फर्स्ट टाइम डला है और माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा काम डाला है, प्रोग्रेस अच्छी की है, मतलब रिजल्ट इसने अच्छा दिया है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी, अच्छा दिया है इसने भी। और कौन सा कबूतर है बिलाल भाई जो अभी आपके पास जो शाम शाम बैठते रहे अंधेरे में, इब्राहिम भाई उनका शो करवाया आपने? उनमें से एक कसूरिया कबूतर है जो शो कराया आपको। जी जी, उसके अलावा एक और हमारा बहुत फेवरेट कबूतर है, मोटा भी बहुत है जी जी, लेकिन हम इसको डीजल बोलते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है। अच्छा, मतलब सामने फिरता रहता है, पहले आराम से जाता है, उठ के आराम से जाता है और आराम से ही आता है वापस। अच्छा जी, ये देखें जी मोरे लगी हुई है, इसकी आंख का शो करवाया इब्रार भाई, इसके बाद इसका अपने परों का शो करवाना है। तो सब भाइयों ने देख के माशाल्लाह लाजमी कहना है जी, और कमेंट में अपनी राय भी देनी है। पर दिखाएं जी इब्रार भाई इसका, सारों की इब्रार भाई आपने खापे लगा दिए ना ये जी। बस ऐसे ही है जी के निकल जाए जाया ना, चंद ज्यादा नहीं है मिकदार में जी, तो जी। कोशिश ही है कि कोई कबूतर जाया ना हो, जहरी बात है, बंदे की मेहनत होती है, इंसान कोशिश करता है ऐसी सारी। जी जी, तो उम्मीद करता हूँ सब भाइयों को वीडियो पसंद आती होगी, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इब्रार भाई को आ गया जी कॉल, ये एक बहुत ही बड़ा कमरा है माशाल्लाह से, अंदर काबक भी लगी हुई है जी, मैं जोड़े हैं जी, इंशाल्लाह आपको आगे आने वाले वक्तों में जोड़ों का भी शो करवाएंगे जी माशाल्लाह। इब्रार भाई, ये कौन सा कबूतर है इब्रार भाई? ये एक फादी भाई मोतियों वाला कबूतर है हमारा जी जी। ये इस मौसम में ये भी नहीं बैठते, तो इसको भी नहीं डाला। सही सही, तो आपने कहा जी कि ऐसे कबूतर दिखाएं जो कि लाइटों में बैठते हैं या ज़्यादा उड़ते हैं या जो भी है। जी जी, ये कबूतर है जी मोतियों वाला, ये उस्ताद के घर के हैं हमारे माशाल्लाह। इसके 2-3 बहन भाई और मेरे पास हैं माशाल्लाह, और ये इसकी भी तकरीबन तमाम फड़के हैं जो रेगुलर मैं ले रहा था, और इनको बक्सुए लगा के जी जी 5 बजे 5:30 बजे 6 बजे तक भी ये बैठता था माशाल्लाह जी। फिर ये गर्मियों में बैठता रहा जी, गर्मी में भी बैठता रहा, ये इस अक्टूबर में भी बैठता माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह पाक ने इसको ज़िंदगी दी तो नेक्स्ट सीज़न उड़ेगा इंशाल्लाह माशाल्लाह। गर्मी में तैयारी तो कर रहे हैं हम, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखें जी इसकी आंख, ये रिंग चेक करें जी माशाल्लाह से। वैसे इब्रार भाई, ये जिसने पकड़ना है इसको जोड़ों में डालना है, फोन शो नहीं कर रही हैं आपको? कोई भी नहीं करता जी, आप हमारे इस ग्रुप में देख लेना जी जी। शायद हमारी पुरानी वीडियो पड़ी होंगी कि कप्पों वाले दिन, बाजियों वाले दिन भी हमने कईयों के पकड़े हैं ना, उसी टाइम हमने वीडियो चढ़ा दिया। अगर उसके पाँव में कड़ी है तो फोन की है जी, अगर कड़ी नहीं है तो बाकायदा हमने इधर वीडियो बनाई है और ग्रुपों में चढ़ाई है कि चलें, उसकी मेहनत है, ये जो मेहनत करता है उसे एहसास होता है। सही बात है कि एक कबूतर बनाने में बड़ा टाइम लगता है, कोई शक नहीं है इस बात में। लोग बस पी जाते हैं, जो शौकीन बंदा होता है आपको पता है वो दे देता है, जो बस होते हैं चिड़ी मार, आजकल चिड़ी मारों का रोला है, क्योंकि चिड़ी मारों ने भी आपको कबूतर देना है, इसलिए नहीं देते ना वो, क्योंकि आपको पता है सिफारिशें डलवा देते हैं लोग बहुत, इस वजह चिड़ी मारों ने भी फैसला किया हुआ है जी, चलो इनको अंदर करो, फोन नहीं करना, टापे में 200 का दे देना है, मालक को नहीं देना बेशक। भाई ये कौन सा कबूतर आया जी इब्रार भाई? ये एक टेढ़ी कबूतर है जी माशाल्लाह, इस दफ़ा भी इसको नहीं डाला, ये पिछले सीज़न में गर्मी में मेरे पास कप उड़ाया था जी, उसमें 3 फड़के ये
6:45 बजे तक बैठता रहे माशाल्लाह जी। इब्रार भाई पार का शो करवाए इसका, मतलब आपने गर्मी के कबूतर इस तरह नहीं डाले, जाया करने से अच्छा आपने संभालना। बिल्कुल ऐसे ही है, संभालना बेहतर है ना जी। जी जी, ताकि अगले सीजन काम आ जाए। ऐसे ही है, कुछ थे कबूतर जिनकी सर पे हमने खेल लिया कब शो कर लिया, तो कुछ बचा भी लिए ताकि नेक्स्ट सीजन में ये काम आ जाए, काम आ जाए। अब कौन से इब्राहिम भी आखिरी कबूतर का शो करवाए, वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो चुकी है, तो माशाल्लाह से जी ये कप है जी, इब्रार भाई ने सवा जीते हैं। अभी ये बात है, इब्रार भाई आपसे पूछते भी हैं, मादी का भी शौक कराते हैं। पांचवा इनाम है ये, दूसरा तीसरा दिन बेस्ट एवरेस्ट का था और ये हो गया जी। माशाल्लाह इब्रार भाई आपसे बात करता हूँ पहले, ये माशाल्लाह से एक फर्स्ट पोजीशन होगी, एक वो बहादुर कबूतर का जी जी, और ये तीसरा इनाम है ये, तीसरा इनाम है ना, तीसरा इनाम आ जी जी, ये दूसरी पोजीशन आ गई, वो पांचवा आ गया। अच्छा वो पांचवा है और ये पांचवा है, सही माशाल्लाह से। ये बादर, ये हमारे कबूतर बल्कि नहीं, आपके कबूतरों की तस्वीरें लगी? नहीं हमारे कबूतरों की नहीं है, माशाल्लाह से जी। ये कौन सा कबूतर है जी? ये भी कप में डली हुई थी, ये भी फर्स्ट टाइम डली है। ये मेरे भाई हैं जो यूसुफ रोशू, ये उनके घर की माती है जी। सही तो ये तीनों पड़के दो के पार आती रही है, दो ढाई बजे तक बैठी है ये माती। फर्स्ट टाइम था इसका, नहीं दस साफ हुई थी। चले जी अजीत भाई, बड़ी अच्छी उड़ी है, फर्स्ट टाइम भी माशाल्लाह से। और इसके दोनों साइडों से एक एक पार वैसे ही शॉर्ट था। अच्छा नौवीं कली शॉर्ट थी जी, नौवीं कली थी, नौवीं कली होने के बावजूद भी देखें माशाल्लाह दो बजे तक बैठती रही है, सही हो गया जी। इब्रार भाई यहाँ पे वीडियो का बस एंड करते हैं, तो कोई ये मैसेज देना चाहते हो? मैसेज तो यही है जी सारे कबूतर भाइयों के लिए कि एक दूसरे का ख्याल किया करें, और मेहनत तो मस्ट है जी जी, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा जी जी, और अपने उस्ताद की इज्जत करें जी जी, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होना है। जिस तरह आपको पता है गुफरान भाई ने भी कहा था कि मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। पहले इंसान को खुद इंसान बनना पड़ता है जी जी, इंसान अच्छा बनेगा सब काम उसके अच्छे होंगे जी जी, तो मेहनत तो मस्ट है, मेहनत के बगैर कुछ भी असर नहीं होता, और परिंदे अच्छे होने चाहिए तो जिसकी बिना पर आप लड़ सकते हैं जी जी। तो अभी हमारे वो भाई आ गए हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था जी जी, अस्सलाम वालेकुम रोशू भाई, क्या हाल है जी? ठीक है जी, आप ठीक हैं? जबरदस्त, बड़े खुश लग रहे हैं जी। खुश तो होना है ना जी माशाल्लाह से, बहुत खुशी का टाइम है, लेकिन ये जो सी हमारी खुशी है ना, ये आपकी मेहरबानी है जी। सबसे पहले तो आपने टाइम निकाला, नहीं जी आपने टाइम निकाला ये बहुत बड़ी बात है जी। हालांकि मैं भी गुजर के आ रहा था, मैं कहा रोशू भाई को बात मारता हुआ जाता हूँ, मगर मैं रोड से निकल आया था जी। तो इब्रार भाई रोशू भाई की भी मेहनत है जी, रोशू भाई ये शाना बशाना हमारे साथ खड़े हैं जी जी जी, तो आपको बखूबी पता है, सब भाइयों को पता है जी जी, एक बंदे का काम नहीं है जी। सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है, टाइम देना पड़ता है, थोड़ा साथ आ जाए, थोड़े असल में इन्हीं के साथ सारा दिन जो गुजरता मेरा। सही तो बस काम से साथ काम करते हैं, जब शौक आता है तो फिर घुस जाते हैं इसके अंदर। इब्रार भाई टीम भी होना लाजमी है कबूतरबाजी में, अकेले बंदे की बस की बात नहीं हो सकता, क्योंकि जो सबसे बड़ा भी हमें मसला होता है ना कि फड़के तो चलो ले ली कर लेते हैं, कुछ ना कुछ ऊंच नीच करते रहते हैं जी। जो मेन मसला है कि इतनी फड़के ले के फिर अपने कबूतरों का शौक देखना होता है सही कपों वाले दिन, फिर उसमें हमें मुनसब का बहुत बड़ा इशू होता है। सही बात है, हमारा एक मानना ये है कि कोई दिहाड़ीदार ना हो। सही बात है, ऐसा भेजा जाए या ऐसा आया जाए जिसको कबूतरों की समझ हो, कोई शक नहीं है, हमें भी परेशानी ना हो। आ जाते हैं दिहाड़ी वाले मुनसब आ जाते हैं, बाद में उनसे पूछो तो उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या कुछ है, हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कबूतर कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। सही बात है, और हमारा रिकॉर्ड है, हमने आज तक अभी दिहाड़ी वाला मुनसब नहीं भेजा, और आपने अक्सर देखो मैं खुद मुनसबी पे चला जाता हूं जी जी, कोई शक नहीं है, ड्यूटीज वो इनके लिए है, कुछ ड्यूटीज मेरे ऊपर है। सही बात है, जो ड्यूटीज मेरी है वो हम उनसे आपस में मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि ये भी काम काज वाले हैं, मैं भी काम काज वाला हूँ,
सही बात है। तो मसरूफियात जो है ना उनमें से फिर टाइम जो है ना उसमें निकालना पड़ता है। फड़कों में तो ये होता है कि बस सुबह मार दिए तो बस हमें पता होता है, अपने परिंदों का हर बंदे को पता होता है सही बात है किस टाइम बैठेगा किस टाइम नहीं। हाँ जी फर्क जो जिसको लगा होता है उसका भी पता लग जाता है। जी इफरार भाई चलते हैं इफरार भाई की तरफ। ये हमारी मादी है जी, खानपुर वाली मादी हम इसको बोलते हैं क्योंकि 2-3 साल पहले खानपुर डैम में गिर गई थी, फिर वहाँ से लाए थे तो इसका नाम ही डाल दिया। और हमारे पास माशाल्लाह बड़ी अच्छी उड़ती है, शाम शाम तक उड़ती है। और इसको भी इसी वजह से ही नहीं डाला था कि ये बैठते में मसला करती है, गर्म मौसम की है ये भी, तो ठंडे मौसम में ये बैठते नहीं है, तो इस वजह से ये भी नहीं डाला गया। तूफान आया था ना दिन के टाइम, तूफान आया था बहुत तेज, जी जी, इधर कबूतर हमारे सामने गिर के मर गए थे लोगों के, मैं खुद दो कबूतर उठा के लाया था, फिर हमने उनको फोन शून किया। तो ये कबूतरी तूफान के बाद हमारी निकली है तकरीबन 2:30 बजे और जाल के साथ लग के दोबारा बंद हो गया आसमान। सही सही। अब अगला दिन छोड़ के उसे अगले दिन ये वापस आई है। ये पर खुले बरार भाई। अच्छा ये मतलब 2 दिन बाद ये घर वापस आई है। 2 दिन बाद बड़ी बात है जी। आई है और ये भी घर की पट्टी है, ये घर की पट्टी है जी हमारी। बरार भाई इसको सामने करके दिखाएंगे जरा। माशाल्लाह जी 2 दिन बाद आई थी वापस। सही हो गया इब्रार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक आपको कि आपने माशाल्लाह से इतनी पोजीशन ली है। इनके अंदर हमने भजन कोई जोन सा ना बनवाई नहीं है, ये जो अवार्ड हमें मिले जी जी कोई है। सही सही। हम बनवा सकते हैं कि जी ये हमें जोन सा ना आप स्पॉन्सर दें जी, हमें गिफ्ट करें, लेकिन हमने हमें जहरी बात है जो मेहनत की है उसी का फल मिला है इब्रार भाई, यही बात है। ऐसा ही है जी बिल्कुल। ये माशाल्लाह लाइटें ऑन कर दिए, यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह वीडियो सब भाइयों को पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो मिले आपको। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए मज़ीद इतनी वीडियो थी, तो आज के लिए खुदा हाफिज़।